So hello everyone, welcome once again in this new video on Coal India Limited. So basically इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आया है. कोल इंडिया देखिए अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है. ओके, ये गेट से अपना रिक्रूटमेंट नहीं करती है. तो आपको एक बेनिफिट इसमें ये है कि अगर आपका गेट एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो गाइस आप यहाँ पर इसका पेपर दे सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, और कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी PSU है जहाँ पर एक अच्छी सैलरी आपको मिलती है. ओके, और नंबर ऑफ पोस्ट भी आप देखोगे कि काफ़ी ठीक है इसमें, है ना. तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेता हूँ. ऑलरेडी जो इसका रजिस्ट्रेशन एंड जो लास्ट डेट था सबमिशन फॉर्म सबमिशन का वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है 19 जनवरी. तो यहाँ पर देखिए जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट है वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि एग्जाम का टेंटेटिव डेट यहाँ पर है फेब लास्ट 27 एंड 28 फेब को इसका ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हार्डली आपके पास 15 to 17 days है अभी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. ओके, तो यहाँ पर देखिए आगे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की है. कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनीज का जो पेपर रहता है उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ. देखिए गाइस यहाँ पर इस में टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं. 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं जो पेपर वन है उसमें, और 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं पेपर टू में. ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपका रहता है GK जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, देन सेकंड रीजनिंग, एंड थर्ड इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी, एंड फोर्थ इज द जनरल इंग्लिश. मतलब 25 25 25 एंड 25 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट के रहते हैं पेपर वन में. एंड पेपर टू जो लिखा हुआ है उसमें देखिए आपका डिसिप्लिन, लाइक आपका केमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट 100 क्वेश्चन रहेंगे. और आप टाइम देख सकते हो, मार्क्स 100 है एंड टाइम आपका जो पेपर का है वो है 3 आवर्स, है ना. तो यहाँ पर अब देखिए आपको एक चीज पता लग गई होगी कि जो वेटेज है 50% तो आपका कोर डिसिप्लिन रहेगा. तो आपको मेन जो फोकस है इस एग्जाम के लिए वो कोर, आपका जो कोर ब्रांच है उसी पे करना. उसके बाद आप देख सकते हो रिमेनिंग जो 50% है उसमें आपका GK रहता है. GK में से आप देखिए अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 15 to 20 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना इजी GK रहता है. देन उसके बाद देखिए रीजनिंग आता है, रीजनिंग के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना. आपका अगर एप्टीट्यूड, हम गेट की एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उस बेस पर हम रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं. एंड उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश. सो जनरल इंग्लिश अगर आपका अच्छा है तो आप 50% 70% जितना भी आपको लगता है उतना आप अटेम्प्ट कर लीजिए, है ना. तो अब ये हो गया एग्जाम पैटर्न की बात. नाउ गाइस इसमें देखिए मैंने जो केमिकल इंजीनियरिंग का CIL का 2016 का जो पेपर है 16-17 का वो मैंने यहाँ पर एड किया है. तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा, अगर आप एक बार उसको देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का यहाँ पर GK पूछा जाता है, किस लेवल का रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है, किस लेवल का इंग्लिश रहता है पेपर में, और किस लेवल का हमारा कोर इंजीनियरिंग का जो डिसिप्लिन है उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला सेक्शन आप देखोगे, सबसे पहला सेक्शन यहाँ पर है GK. तो GK यहाँ पर देख लिखा भी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी 2016 एंड 17. तो यहाँ पर पहला पोर्शन है GK का जिसके 25 क्वेश्चन होंगे. आप यहाँ पर वन बाय वन इन क्वेश्चन को रीड कर सकते हो. ओके गाइस, तो ये देख सकते हो आप यहाँ पर GK की क्वेश्चन. देन मैं देखिए यहाँ पर वन बाय वन जस्ट मूव करूंगा, आपको ये क्वेश्चन रीड करने हैं. ओके, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चन की. और लिंक में देखिए इस PDF का मैं यहाँ पर जो लिंक है वो भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा जिससे कि आप डाउनलोड कर सको इसको. ओके, डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो, ये आपको बेनिफिट होगा. तो मैं इसको शेयर कर दूंगा. ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते रहिए. नो, ये कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर GK के क्वेश्चन. नाउ अभी स्टार्ट हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी. सो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अभी नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आएंगे. ओके, तो आप ये भी देखिए यहाँ पर.
नाउ अभी स्टार्ट हो गया है रीजनिंग। ओके तो जीके के क्वेश्चन हो गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन हो गए, नाउ अभी स्टार्ट हो गए क्वेश्चन रीजनिंग के। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे रीजनिंग के। सो ये यहाँ पर जो रीजनिंग है उसके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नाउ अभी देखिए जीके जनरल इंग्लिश। सो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन अभी रहेंगे। आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश से पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे इंग्लिश के। अभी आप देख सकते हो कि इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस वाले क्वेश्चन थे। देन इसके बाद में जो रिमेनिंग जो 5 क्वेश्चन है वो कंप्रेंसिव पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ गिवन है, इस पैराग्राफ को रीड करना है आपको। उसके बाद में जो नीचे क्वेश्चन गिवन है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो हो सकता है आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ को रीड करने में टाइम लगे एग्जाम में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इन क्वेश्चन को आप यहाँ पर मतलब कि आप उनको स्किप कर सकते हो। ओके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे फोकस करना है। आपको एक ही पैराग्राफ गिवन है, उसमें से टोटल 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी इंग्लिश का। ओके तो ये हो गए कंप्लीट जो फर्स्ट पार्ट था आपके 100 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो 4 सेक्शन के थे। अभी 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपका जो टेक्निकल सेक्शन है। ओके प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपका पर्टिकुलर जो ब्रांच है, लाइक यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग का मैंने पेपर एड किया है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर कंटिन्यूअसली पूछे जाएंगे। अभी आप देखिए इन क्वेश्चन को कितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आप जैसे रीड करोगे इन क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। ओके नाउ देख सकते हो आप यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
सो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने देख लिए यहाँ पर किस लेवल का टेक्निकल रहता है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इन क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाएगा कि कंप्लीट 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ये इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूँगा केमिकल इंजीनियरिंग का कोर, केमिकल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ राम प्रसाद जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव जो दोनों बुक है, बड़ी वाली एंड छोटी वाली, उनके सारे क्वेश्चन आपको एक बार रीड कर लेना, इवन रिवाइज कर लेना एक बार, आप देखोगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो आप ओपी गुप्ता जो बुक है, ठीक है, उसकी भी आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक बार देख सकते हो। उन दोनों बुक में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो कोल इंडिया का जो डिपार्टमेंट यहाँ पर पेपर बना रहा है, बिकॉज वो लोग IITian नहीं है ना, वो लोग एक्सपर्ट नहीं है इतने कि वो इतना अच्छा पेपर बनाएंगे, वो लोग जस्ट इन बुक्स को प्रिफेयर करते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कोर केमिकल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर देखिए मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ओके नाउ सो मैंने बोल दिया कि कोर केमिकल इंजीनियरिंग का जो यहाँ पर 100 मार्क्स का जो कोर केमिकल इंजीनियरिंग रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट बुक मैंने बता दी आपको राम प्रसाद, ठीक है। नाउ सेकंड बुक मैंने बोल दिया ओपी गुप्ता, ये सेकंड प्रेफरेंस है। फर्स्ट बुक जो है इसकी दो बुक है टोटल, स्मॉल वाली एंड जो यहाँ पर बिगर वन जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाली, दोनों इसकी एक ही बुक है। तो इन दोनों बुक, इन जो टोटल तीनों बुक्स को आपको पढ़ लेना है, मैं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि 100 में से आप देखिए 80-90 मार्क्स आप लेके आ सकते हो। देन रिमेनिंग जो आपका है 100 जो क्वेश्चन आपके हैं, देखिए FT के लिए आपको किसी की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, उसके बाद में आपका जो रीजनिंग है उसके 25-25 क्वेश्चन है, उनकी भी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन GK है एंड इंग्लिश है ना, तो ये सब चीज़ आप इजीली कर सकते हो। फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख सकते हो इंटरनेट से डायरेक्टली, है ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसके लिए मैं बोलूँगा आपको RS अग्रवाल बुक आती है, वही आप एक बार देख लीजिए, है ना। और जीके के लिए जनरल नॉलेज आप अगर थोड़ा सा करंट अफेयर आप देख लोगे तो भी आप इजीली GK पार्ट है ना वो देख पाओगे, बिकॉज करंट अफेयर मोस्टली पूछा जाता है, तो आपको करंट अफेयर पे फोकस करना, उसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, है ना, गूगल का यूज़ कीजिए इजीली आप, ठीक है गाइस। तो ये मैंने कंप्लीट बता दिया कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको राम प्रसाद एंड ओपी गुप्ता जो बुक है इनके जो क्वेश्चन है बस कंप्लीट सब्जेक्ट की, उनकी जस्ट आपको रिवीजन करनी है बार बार, 2-3 बार आप रिवीजन कर लीजिए, इजीली आप यहाँ पर जो कोल इंडिया का जो पेपर रहेगा उसमें आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे और इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा। ओके गाइस, तो ये था कंप्लीट मेरा यहाँ पर कोल इंडिया से रिलेटेड जो मैंने बताया यहाँ पर कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और ये सैम्पल पेपर मैंने ऐड कर दिया, और इस पेपर का जो लिंक है यहाँ पर मैं वो ऐड कर दूंगा, बिकॉज हो सकता है आपको क्वेश्चन ब्लर दिखाई दे रहे हो इस वीडियो के अंदर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यहाँ पर ड्राइवर वो मैंने सेव कर रखी है फाइल, तो उसका लिंक मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके